कांग्रेस के लोगों ने तीन तीन पीढ़ियां जेलों में रही, बलिदान दिया, इन्होंने तो कोई उंगली नहीं, कोई नाखून भी नहीं कटाया देश के लिए। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा एक तरीके से हथियार वाला नेता होता है और वो इतने बड़े संभाग में आकर नई चीज़ कुछ भी नहीं देके जाए, तो लगता है कि बीकानेर को ठग लिया, बीकानेर ठगा सा देंगे। बीकानेर में पीएम के भाषण से असहमत कांग्रेस। बीकानेर में प्रधानमंत्री की रैली को कितना सफल मानते हैं आप? पब्लिक मीटिंग की, उसमें कांग्रेस के बारे में भला बुरा कहेंगे, उन्होंने जो कांग्रेस की परिभाषा दी उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, उसका विरोध करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताई कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस की क्या पहचान, इसका उत्तर है त्याग, तपस्या और बलिदान। आज कांग्रेस ने लगभग 67 वर्ष तक इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों, राजाओं, जागीरदार और जमींदारों, इनकी तीरी गुलामी से पूरे देश को मुक्त किया। देखिए पूरा इंटरव्यू न्यूज़ 24 राजस्थान पर आज शाम 4 बजे।